आप सब, मैं हूँ विशाखा। अमूल के इस लाइव कुकिंग शो में आपका स्वागत है। सॉरी फॉर ऑल इनकन्वीनियंस, एक्चुअली कुछ माइक इशू हो गया था तो साउंड बराबर नहीं आया है। तो एक्चुअली मैंने ये आज दाल पकवान हम बना रहे हैं, तो पकवान के लिए तो मैंने आटा इधर गूंद लिया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फिर से। ये मैंने 1 कप मैदा लिया था, इसमें हमने नमक स्वाद के अनुसार और 1/2 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन लिया था जिसको हमने क्रश करके डाला, और उसके बाद 1 पिंच हमने डाला था बेकिंग सोडा और 2 चम्मच के तकरीबन हमने इसे डाला था तेल। उससे अच्छा खस्तापन आता है जिसे हम मोइन भी कहते हैं। और सब अच्छे ड्राई मसाले मिक्स करकर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से आटा ये तैयार किया है, और इसको हम ढक के रखेंगे 5-10 मिनट के लिए सेट होने के लिए भी, और तब तक हम दाल का तैयार करेंगे मसाला। यहाँ पे ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक्चुअली दाल पकवान जो बनता है उल्लासनगर का जो मेन स्ट्रीट फूड है ये, इसमें 3 तरह की दाल यूज होती है, चना दाल और पीली मूंग दाल और अखे मूंग। तो तीनों को अलग अलग नमक डाल के बॉयल किया जाता है, और जब सर्व किया जाता है तो तीनों दालें मिक्स करके सर्व किया जाता है। यहाँ पर लेकिन हमने इंस्टेंट किया है चना दाल, इस तरह से मैंने नमक डाल के बॉयल करके रखी हुई है। तो अभी हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए यहाँ पे ये मैंने लिया है अमूल घी, ये 1 बड़ा चम्मच अमूल घी है। यहाँ पे ये हमने लिया है 1 टीस्पून जीरा, ये है हींग, ये है अखी लाल मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते, और ये है रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे अभी तेल गर्म हो चुका है, यहाँ पे हम पहले ये डालेंगे अपनी लाल मिर्च। इसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, ये कड़ी पत्ते, जीरा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है घी में। अभी हम डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च, और अभी हम डालेंगे इसमें ये दाल। ये मैंने थोड़ा निकाल के रखा है, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज करेंगे। आप चाहे तो तीनों दाल बना सकते हो, या तो इस तरह से एक चना दाल से भी ये पकवान खाया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और अपने हिसाब से थोड़ा ये मैंने थिक रखा है क्योंकि हम पकवान के साथ इसे सर्व करेंगे, ज्यादा लाइट हम इसे नहीं करेंगे। और आप जब भी बॉईल करें चना दाल, याद रखें बॉईल करने के टाइम पे नमक जरूर डालें। इसको हम ढक देते हैं जैसे जल्दी से उबाल आ जाए इसमें, और बॉईल अच्छी तरह से होना बहुत जरूरी है चना दाल, नहीं तो ऐसे खाने में टेस्ट नहीं आता है। ये देखिए दाल में अभी उबाल आने लगा है,
और हल्का सा कुछ मैश है और अक्खी दाल भी दिख रही है। पूरा ग्राइंड नहीं कर देना है, मैश नहीं कर देना है दाल को हमें, इस तरह से दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए दाल। तो पकवान के लिए ये दाल तो हमारी इधर तैयार हो गई है, इसको हम साइड करके रख देंगे। यहाँ पे अभी हमें पकवान फ्राई करना है, इसके लिए हम इधर तेल डाल देते हैं। जब तक तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब तक हम इधर पकवान भी बेल देंगे। ये देखिए, ये हमारा आटा भी अच्छी तरह सेट हो चुका है और आप पकवान जो है अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हो, जैसे साइज के आपको चाहिए। यहाँ पे मैं ये मीडियम साइज का बॉल ले रही हूँ। और बाकी जो आटा है इसको हम इस तरह से ढक के ही रख देंगे और थोड़ा ड्राई आटा इस तरह से लगाकर हम इसको बेलेंगे। और बेलने में ध्यान देना है, ज्यादा आटा नहीं लगाना है, नहीं तो वो तेल में जाके पूरा तेल खराब कर देता है। और इसको पतला बेलना है, ज्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो जो पकवान है वो अंदर से कच्चा लगता है खाने में। देखिए पकवान इधर अच्छी तरह से हमारा बेल चुका है और इस तरह से देखिए पतला है, ज़्यादा हमने नहीं रखना है। और इसको हम फोक की मदद से इस तरह से ये कर देंगे, जैसे ये फूले नहीं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाली है। और अगर इसको हम इस तरह से नाइफ या इस तरह से फोक की मदद से डॉट्स नहीं कर देंगे तो ये फूल जाएगा, पूरी की तरह हो जाएगा। पकवान जो है वो इस तरह से एकदम फ्लैट रहना चाहिए, तो इस तरह से ऐसे फोक की मदद से हम इसे डॉट्स कर देंगे। और इधर भी हमारा ये तेल भी गर्म हो चुका है। इस तरह से हम इसमें डाल देंगे।
इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे घुमाते हुए, और इसको हमें गोल्डन करना है, ज़्यादा हमें डार्क नहीं कर देना है, क्योंकि ये जब हम निकालते हैं ऑयल से उसके बाद भी जब तक ये गर्म रहता है हल्का सा कलर चेंज करता जाता है, इसीलिए ध्यान रखना है कि गोल्डन कलर ही रहना चाहिए इसका। और अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो ऐसे छोटे छोटे पकवान तैयार करके आप जा सकते हो, ये एक हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अच्छी तरह से फ्रेश ही रहते हैं खाने में। सिर्फ इसको रखना जो है वो एयर टाइट कंटेनर में रखना है, जैसे ये सौगी ना हो जाए। ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। इसको हम और ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, और इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे हम इसका। तो ये इधर हमारा पकवान भी बनकर तैयार है। और ये जो मैंने तड़का निकाला था, जब भी आप गेस्ट आते हैं उस टाइम पे इस तरह से ऊपर से तड़का इस तरह डाल के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है इसे सर्व की हुई दाल। तो ये दाल पकवान हमारा इधर बनकर तैयार है। अभी जो हम बनाने वाले हैं दाल पकवान चाट,
उसके लिए मैं बताऊंगी अभी आपको। चाट के लिए हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, ये बॉयल आलू है जिसको हमने नमक लाल मिर्च लगा के रखा है, ये टमाटर, दही, हरी चटनी, ये खट्टी मीठी चटनी, ये बारीक सेव है और ये है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पे हम पकवान को इस तरह से स्मॉल पीसेस में तोड़ देंगे। और इस पर हम डालेंगे इसे दाल। ये ग्रीन चटनी की चटनी, दही, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आलू, टमाटर, और बारीक कटा धनिया। देखिए अगर आप इस तरह से दाल पकौड़ नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरह से चाट बना सकते हैं। अभी हम बनाने वाले हैं दाल पकवान पिज़्ज़ा। उसके लिए हमने यहाँ पे टॉपिंग के लिए डाल लिया है कॉर्न, ये अनियंस लिया है इस तरह से हमने स्लाइस कर लिया है, ये है ग्रीन कैप्सिकम और ये है टमाटर, चिली फ्लेक्स और ये है ओरिगैनो और ये चीज़ क्यूब्स, ये अमूल चीज़ क्यूब्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आज हम इस पर एक नया ट्विस्ट लाने वाले हैं, यहाँ पे हम ये अमूल का पीनट बटर यूज़ करने वाले हैं और ये भी क्रंची है, बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर आएगा इससे।
और ये पीनट बटर बहुत हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए भी। तो इस तरह से अगर पीनट बटर नहीं भी खा रहे हो बच्चे, तो इस तरह से आप यूज़ करके उन्हें खिला सकते हैं। अभी हम इस पे डालेंगे ये खट्टी मीठी चटनी। हाय फ्रेंड्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा पावर इशू हो गया इधर। यहाँ हमने खट्टी मीठी चटनी डाल दी है। अभी हम इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी। और ये दाल, यहाँ थोड़े अनियन स्लाइसेस, वैसे हम इस पे डालेंगे कॉर्न। ऑरिगेनो स्प्रे भी करेंगे और थोड़ा चिली फ्लेक्स। और इसको भी हम तवे पर रख देंगे थोड़ा यहाँ पे आपने देखा होगा हमने तवा गरम नहीं किया है, इसको हम स्लो फ्लेम पे रखेंगे और इस तरह से ढक देंगे जैसे चीज थोड़ी मेल्ट हो जाए और बेस थोड़ा अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। इसको हम 3 से 4 मिनट इस तरह से रखेंगे जैसे चीज थोड़ी मेल्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप दाल पकवान पिज्ज़ा भी बना सकते हैं, चाहे तो चाट बना सकते हैं या ट्रेडिशनली दाल पकवान खा सकते हैं। और ये जो दाल पकवान पिज़्ज़ा हमने बनाया वो बहुत ही टेस्टी बन रहा है, मैंने ये ट्राई किया था, बहुत ही पसंद आया, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूँ रेसिपी। और वैसे मेरा
चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है मेरे दो, एक हिंदी चैनल है विशाखा ब्रह्मानी के नाम से और दूसरा सिंध की रसोई है जिसमें मैंने सिंधी रेसिपीज डाली है और उसमें लैंग्वेज भी सिंधी है। आप चाहें तो और भी कुछ रेसिपीज देखनी हो तो आप वो चैनल पे जा सकते हैं देखने के लिए। देखिए अभी आप देख रहे होंगे हल्का सा चीज मेल्ट होने लगा है। ये देखिए चीज भी अभी मेल्ट हुई है। तो ये हमारा दाल पकौन पिज्जा भी इधर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। और लास्ट में सिर्फ हम स्प्रिंकल करेंगे जब हम सर्व करेंगे तो थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। ये देखिए इस तरह से ये हमारा दाल पकवान पिज्जा भी तैयार है। तो आप इन तीनों में से जो रेसिपी ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। ये दाल पकवान, ये है दाल पकवान चाट और ये है दाल पकवान पिज्जा। तो फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ और आप जरूर मेरे ये चैनल्स पे भी जाके देखिएगा, अलग आपको न्यू रेसिपीज मिलेंगी। इसमें विशाखा धमवानी चैनल है जिसपे हम हिंदी में रेसिपीज डालते हैं और सिंध की रसोई है जिसमें सिंधी लैंग्वेज में हम रेसिपीज डाल रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।